पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी शॉप में दंदहाड़े करोड़ों रुपए की लूट ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जानकारी के अनुसार 8 से 10 की संख्या में अचानक डकैतों ने शॉप में धावा बोला। डकैतों ने हथियारों के बल पर लगभग आधे घंटे तक लूटपाट की। डकैतों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला और उसका डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। वहीं लूट का विरोध करने पर डकैतों ने दुकान मालिक रत्नेश और दीपू के सिर पर पिस्टल की बट से वार किया, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शॉप में हो रही लूट को देखकर स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष से लेकर आईजी तक को फोन पर सूचना दी। लगभग 10 की संख्या में बताया जा रहा है कि अपराधी आए हैं, छोटा हथियार से लैस थे और उनके द्वारा यहाँ पर अंदर सोना की जो ज्वेलरी और प्रेशियस जो लूट की गई है। पुलिस आगे काम कर रही है। करोड़ों की लूट की बात आ रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, अभी जो ओनर्स हैं वो अपना कैलकुलेट कर रहे हैं उनका क्या मूल्य लिखा गया है। हम जब बताएंगे तो क्लियर हो भी जाएगा कि क्या मूल्य लिखा गया है। बड़ी घटना जो है वो है, इससे कार नहीं है और पुलिस जो है वो चुनौती को फेस करने के लिए होती है। ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती है, इसको हम लोग मान रहे और एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस दुकान और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर कर्मचारियों और मालिक से पूछताछ में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।